सबसे पहले तो सिलेबस है ना, उसको अच्छे से याद कर लो, सारे सिलेबस को। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और तीसरा टॉपर्स कॉपी। सिलेबस याद करने का क्या बेनिफिट है? सिलेबस याद करने का ये बेनिफिट है, एथिक्स का, अगर आपको पूरा सिलेबस याद है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है उसमें आप सिलेबस के की टर्म्स डाल दोगे ना सेंटेंस में, तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी किया है और यूपीएससी में भी किया है, तो अच्छे मार्क्स आए, तो मुझे आइडिया लग गया। यूपीएससी में एथिक्स में इतने सारे टर्म्स है, सत्यनिष्ठा है, सेवा भावना है, कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें लिख दो सत्यनिष्ठ बनो, सेवा भावना से काम करना है। आप कुछ 5-7 लाइनें, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो लिख दोगे तो चल जाएगा। दूसरा सिलेबस का फायदा ये होता है कि डायमेंशन क्रिएट करने में फायदा होता है, ये होता है सिलेबस से फायदा, डायमेंशन क्रिएट करने। आईआर का क्वेश्चन है, इंडिया और नेपाल पे क्वेश्चन आया, आप उसके डायमेंशन कैसे बनाओगे? सबसे पहले पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री आता है, हिस्टोरिकल रिलेशन बना दो। नंबर दो पे सोसाइटी आता है, रोटी बेटी का रिश्ता, सोसाइटी के आगे। ज्योग्राफी आता है तीसरे नंबर पे, GS1 के पेपर में। तो ज्योग्राफी के लिए क्या रिलेशन है? ओपन बाउंड्री है। उसके बाद में संविधान, तो भारत के संविधान से उन्होंने क्या सीखा, ये आ गया। उसके बाद में इंटरनेशनल रिलेशन, उससे क्या है? इकोनॉमिक रिलेशन क्या है? पेपर थर्ड सिलेबस से चल रहा हूं मैं, पेपर 1, 2, 3। ये डायमेंशन क्रिएट करेगा अगर आपको सिलेबस अच्छे से याद है तो, ठीक है? तो इसलिए ये तीनों चीजें हैं, ये याद करनी जरूरी है।